हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल द इकोनॉमिक्स हब। माय नेम इज़ अनंत। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 का एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 2 का मतलब है यहाँ पे हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में। एपिसोड नंबर 1 में हमने लिबरलाइजेशन के बारे में बात करा था और एपिसोड नंबर 3 में हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। आप इसको पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में भी समझ सकते हैं और एपिसोड 1, एपिसोड 2 एंड एपिसोड 3 में भी समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में है एपिसोड नंबर 2, मतलब है प्राइवेटाइजेशन। तो इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं जल्दी से, आइए प्राइवेटाइजेशन के साथ एपिसोड 2, डेट इज़ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रही है और प्राइवेटाइजेशन करने का गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, तो इन सब चीज़ों का आंसर, उत्तर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। आप इस इमेज को देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ, PSUs स्टैंड फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। PSUs बैंक जो हैं उसको हटा के प्राइवेट सेक्टर्स को लगाया जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, सरकार के लोगों पे ही भरोसा नहीं करेगी क्या? जी हाँ, बिल्कुल यही हुआ था। तो प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू द पार्शियल और फुल ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक, या तो पार्शियल या पूरी तरह से जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उनका कंट्रोल, उनका मैनेजमेंट हमने किसको दे दिया, प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया हमने, मतलब गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन का सिंपल सा मतलब ये है, अगर हम शुद्ध भाषा में बात करें तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं अब वो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स को चले गए हैं। अब बहुत से लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट ने ये बेच दिया, तो गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? जब 1947, 1951, 1956 में जब 5-year प्लान्स आए थे तो गवर्नमेंट ने तो सबसे पहले पब्लिक सेक्टर्स पे ही भरोसा किया था, नहीं किया था? तो ऐसा क्या रीज़न रहा जिसकी वजह से हमें प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा? जब 1956 में सेकंड 5-year प्लान आया था तब हमने PSUs पे भरोसा किया, PSUs को बहुत सारी कंपनीज दी, PSUs पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन फिर 1991 आते आते और 1970s में आते आते PSUs ने हम लोगों को उतना आउटपुट नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया वो हम आगे बढ़ते हैं। नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत हमें पड़ी क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ PSUs। जो PSUs थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, उनकी जो परफॉर्मेंस थी बहुत ही ज़्यादा पुअर थी। पुअर का मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। जितना अच्छा गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया, जितने अच्छे लोग रखे, जितना अच्छा आउटपुट जनरेट होना चाहिए था उतना अच्छा आउटपुट जनरेट नहीं हो पाया। इसी वजह से गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन को करना स्टार्ट किया। प्राइवेटाइजेशन हम 1991 में देखते हैं बहुत तेज़ी से हुआ, लेकिन प्राइवेटाइजेशन एक्चुअली उससे पहले से स्टार्ट हो गया था। 1991 में LPG पॉलिसी आया था जिसमें प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 के नाम से जानते हैं, जिसको हम NEP के नाम से भी जानते हैं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन एक्चुअली में 1991 से पहले स्टार्ट हो चुका था, लेकिन 1991 में पूर्ण रूप से, मतलब पूरी तरह 100% हमने चीज़ों को सेल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो पॉइंट्स पढ़ते हैं इसके क्या है। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द सेकंड 5-year प्लान। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस था हमने सेकंड 5-year प्लान में स्टार्ट किया। फर्स्ट 5-year प्लान में हमने एग्रीकल्चर्स पे भरोसा बहुत किया, मतलब एग्रीकल्चर्स में इन्वेस्टमेंट हमने करना ज़्यादा स्टार्ट किया, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर था जिसमें बहुत सारे लोग, इंडिपेंडेंस के टाइम में 72% लोग जो थे ना, 72% लोग, 72 से 75% लोग जो थे वो एग्रीकल्चर्स में इन्वॉल्व थे। अब एकदम से तो उनको हटाया नहीं जा सकता, तो एग्रीकल्चर्स पे भी भरोसा करा गया, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी भरोसा किया गया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इतनी जॉब्स क्रिएट नहीं हो पाएंगी जितनी इंडस्ट्रीज में जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। जिस कितनी भी बड़ी आप इकॉनमी देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, US देख लीजिए, जापान देख लीजिए, वो सारी की सारी कंट्री इंडस्ट्री सेक्टर्स पर डिपेंडेंट है, क्योंकि किसी भी इकॉनमी में या इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीज़ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द सेकंड 5-year प्लान। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस था वो सेकंड 5-year प्लान में आया था और PSUs पे भरोसा किया गया था। IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में कई बार आया है, इसको ध्यान से पढ़ना। IPR 1956 क्लियरली एंड कैटेगरिकली स्टेटेड दैट सिग्निफिकेंस ऑफ PSUs एंड PSE, PSU मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और PSUs E मतलब होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में था इनका योगदान बहुत अच्छा रहा। इट वॉज एन अकाउंट ऑफ द स्प्रेड ऑफ PSUs दैट द इंडियन इकोनॉमी अंडर वॉन्ट अ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। इंडियन इकोनॉमी को ना एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत थी, एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत थी।
तो पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज. तो लोगों ने किधर से शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया. ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पता था एग्रीकल्चर में इतना इनकम जनरेट नहीं हो पा रहा है, लेकिन इंडस्ट्रीज में इतना इनकम, इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट ईजिली हो सकता है. ठीक है. और एज देयर सोर्स ऑफ लिवलीहुड एंड देयर वॉज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री इन जीडीपी. अब क्या हुआ, एग्रीकल्चर तो बहुत समय से हो रहा था लेकिन इतना वो कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रीज आई, इंडस्ट्रीज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो इंडियन इकोनॉमी में बहुत तेजी से हुआ. मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ. आप देखेंगे ना कि जो आपका एग्रीकल्चर से इनकम जनरेट होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से डिमांड कम होती है. ठीक है, बहुत कम, बहुत स्लो डिमांड हो रही है, जिसकी वजह से डिमांड कम हो रही है, जिसकी वजह से लोगों का जो प्रोडक्शन लेवल है वो भी कम है. प्रोडक्शन लेवल कम है तो लोग एम्प्लॉयमेंट में क्या ही बढ़ेंगे. ऐसे ही इंडस्ट्रीज आई, इंडस्ट्रीज से लोगों की इनकम बहुत बढ़ी, डिमांड ज़्यादा बढ़ी लोगों का, फिर लोगों ने प्रोडक्शन बढ़ाया, फिर प्रोडक्शन बढ़ाया तो एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होने लगी. तो ये मोटिव है इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर्स के. इंडस्ट्रीज लाने का सबसे बड़ा मोटिव इकोनॉमी में यही रहा है. ठीक है, समझ में आ गई बात. नेक्स्ट है, अब इतना भरोसा किया, सब कुछ किया, फिर PSUs को पीछे क्यों किया इन्होंने, ये हम पढ़ते हैं. ग्रेजुअली मोस्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टर्न इनटू डेब्ट. अब गवर्नमेंट ने देखा कि इतने सारे हमने पैसा इन्वेस्ट किया, इतना सब कुछ इन्वेस्ट किया, लेकिन क्या हुआ, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो लॉस में जा रही है, डेब्ट में जा रही है. वेटेड लॉस और सोशल लायबिलिटी माउंटिंग लॉसेस ऑफ पब्लिक. तो इतना पैसा गवर्नमेंट ने कहा गया कहाँ, हमारा इतना हमने पैसा लगाया, इतना रिसोर्सेज लगाया, वो सब कहाँ चले गए. बाद में पता लगा वहाँ पे लीकेजेस हो रहे हैं, पिलफ्रेजेस हो रही हैं, चोरी चकारी हो रही है, इनफिशेंसी, जितना आउटपुट जनरेट करना चाहिए था उतना आउटपुट नहीं, लोग लापरवाह हो रहे हैं, करप्शन बहुत हो रहा है. तो ये सब रीजंस थे जिसकी वजह से PSUs को प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा. ठीक है, एक ही संविधान था, एक ही रेमेडी थी कि भैया पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेट कर दो. बट इन द ईयर 1991 द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू फेस आउट पब्लिक एंटरप्राइजेस. लेकिन 1991 में गवर्नमेंट ने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया था कि अब हमें पब्लिक सेक्टर को बेच के प्राइवेट की तरफ जाने जा रहा है. Privatization was to place public ownership of a large number of enterprises. बहुत सारे enterprises public sectors के किधर दे दिए, private sectors को दे दिए, बहुत सारे, बहुत सारे. ठीक है, but कुछ sectors government में ऐसे थे जो government ने अपने पास रखे. जैसे however in the view of their efficiency performance Navratan were to be retained as public sector enterprise. जो भारत के नौ रत्न थे, इसको हम नवरत्न के नाम से जानते हैं, जो भारत के नौ रत्न थे, government ने सोचा कि हम इसको किसी को नहीं देंगे, ये हमारे ही रहेंगे, इसको और हम बेहतर बनाएंगे, और हम बेहतर बनाएंगे, और हम बेहतर बनाएंगे. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इसको हम किसी को नहीं देंगे, ये हमारी स्ट्रेंथ है, PSUs की ये स्ट्रेंथ है. अब वो कौन कौन सी हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये नवरत्न है, ये आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगा, इंडियन ऑयल, इसको महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न नाम से, बस आपको अभी तक नाम पढ़ने हैं, ट्वेल्थ में आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है. नवरत्न कौन कौन से हैं ये आप पढ़ लें, इसका आपको अमाउंट वमाउंट कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो नवरत्न के बारे में ये सब आप एक बार देख लें, नवरत्न आपको क्या होता है. नवरत्न सिंपल सा ये है कि गवर्नमेंट के कुछ नौ रत्न हैं, कुछ नौ कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट को PSUs में रह के ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही थी, तो गवर्नमेंट ने कहा हम इसको सेल नहीं करेंगे. हो सकता था इसको अगर गवर्नमेंट सेल करती तो और ज़्यादा बेनिफिट हो सकता था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको किसी को नहीं दिया, अपने पास रखा. ठीक है, तो ये भारत के नौ रत्न थे. नेक्स्ट, ऑब्वियस गेन इंपेरेटिव लॉसेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन. अब भैया जिसका फ़ायदा होगा उसका नुकसान भी होगा, जैसे PSUs का नुकसान था तो प्राइवेटाइजेशन का भी कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा, लेकिन PSUs के कंपैरिजन में प्राइवेटाइजेशन में नुकसान था वो कम था. जैसे प्राइवेटाइजेशन इंप्लाय सुपरमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट एंड ओवर सोशल इंटरेस्ट. वेन सेल्फ इंटरेस्ट प्रिवेल्स, ठीक है, एंड मियास ऑफ वर्क विद 100% कमिटमेंट. अब प्राइवेटाइजेशन था, अब लोगों को पता था कि हम जॉब करेंगे, अपना 100% देंगे तभी उनको इनकम मिलेगी. तो प्राइवेटाइजेशन होने से क्या हुआ, सेल्फ इंटरेस्ट तो बढ़ा सोशल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में. अब समाज के बारे में आप नहीं सोच सकते, अब अपने बारे में सोचेंगे कंपनीज. ठीक है, तो क्या हुआ, अब लोगों ने अपना 100% कमिटमेंट देना स्टार्ट किया, अब लोगों ने काम करना शुरू किया. जो कंपनीज पब्लिक सेक्टर्स में रह के काम नहीं कर रही थी, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स में आके बहुत तेज़ी से अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दिया. इफ़िशेंसी लेवल बढ़ गया, जिससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ा तो ऑब्वियसली आउटपुट तो जनरेट होना ही था. प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्ट प्राइवेट एंटरप्राइजेस टू वर्क अ कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट, क्योंकि हम सब जानते हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं ना वो कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में काम करते हैं. बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप SBI में चले जाओ, आप HSBC में चले जाओ, HSBC छोड़ो, आप HDFC में चले जाओ, किसी भी प्राइवेट बैंक में चले जाओ, तो वहाँ पर आपको अंदाज़ा पता लग जाएगा कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए,
किसी भी गवर्नमेंट बैंक में चले जाओ, किसी भी प्राइवेट बैंक में चले जाओ, किसी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, किसी प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ, सरकारी स्कूल में चले जाओ, प्राइवेट स्कूल में चले जाओ। तो प्राइवेटाइजेशन का मेन मोटिव यही है कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए ये हम यहाँ पढ़ रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्ट प्राइवेट एंटरप्राइजेस टू वर्क अ कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं ना कॉम्पिटेटिव की तरह काम करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक की बात करें चाहे वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन की बात करें। इंड्यूस अपग्रेडेशन, वो अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहते हैं, वो अपने आप को हमेशा मॉडर्नाइज करते रहते हैं। दीज आर द एसेंशियल कंडीशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और किसी भी इकोनॉमी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यही सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेशंस, बहुत सारी ट्रेन्स, बहुत सारे रोडवेज, बहुत सारी बसेस बहुत अच्छी अच्छी होती जा रही है, तो गवर्नमेंट उसको धीरे 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 प्राइवेटाइज की तरफ कर रहा है। गवर्नमेंट चाहता है कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ बनी रहे, हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट बना रहा है, तो उसको लग रहा है कि हम प्राइवेट करेंगे तो हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज को हम और बेहतर तरीके से, लोग उस रिसोर्सेज को और बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑब्वियस गेंस। और पढ़ लेते हैं, प्राइवेटाइजेशन प्रमोट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब प्राइवेटाइजेशन होगा तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन करेगा। जब रिलायंस है, रिलायंस क्या केवल सिम बेच रहा है? नहीं भैया, रिलायंस जियो तो है ही, रिलायंस फ्रेश मार्ट में है, रिलायंस क्लॉथ में है, रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक्स में है, रिलायंस क्रॉकरी में है, रिलायंस फ्रूट्स में है, रिलायंस FMCG में है, एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं। क्या अगर ये पब्लिक सेक्टर होता तो ये सिम पे रह जाता जैसे BSNL? ठीक है, तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स में लेके आएंगे ना अपने आप को, तो आपका कॉम्पिटिटिव और आपका काम करने का तरीका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन प्रमोट कंज्यूमर सोविग्निटी। प्राइवेटाइजेशन जो है वो कंज्यूमर सोविग्निटी का मतलब होता है मार्केट फोर्सेस। क्या मतलब होता है? मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस का मतलब आप सबको बहुत अच्छे से पता है, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के फैक्टर्स पे काम होता है। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उस चीज़ की सप्लाई भी ज़्यादा होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। हाई डिग्री ऑफ कंज्यूमर सोविग्निटी इंप्लाई वाइडर चॉइस एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब इससे क्या होगा, मार्केट में लोगों के पास चॉइसेस ज़्यादा होंगी। जब मार्केट में लोगों के पास चॉइसेस ज़्यादा होंगी, लोग इनकम जनरेट ज़्यादा कर रहे हैं तो वो स्पेंड भी ज़्यादा कर रहे हैं। जब खर्चा ज़्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा लोगों की इनकम ज़्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। तो हर चीज़ डिपेंड है एक दूसरे पे, इंटरडिपेंडेंस बनी हुई है इकोनॉमी में। ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है, प्राइवेटाइजेशन प्रमोट कंज्यूमर सोविग्निटी, हाई डिग्री ऑफ कंज्यूमर ऑफ सोविग्निटी इंप्लाई वाइडर चॉइस एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इनकम अच्छी होगी तो लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बेहतर होती चली जाएगी। ठीक है, अब कुछ इंपेरेटिव लॉसेस भी देख लेते हैं, लॉसेस भी। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी इज लेफ्ट टू सर्वाइव ओनली एज थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। अगर आप प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे तो सोशलिस्टिक पैटर्न जो है, मतलब जो वेलफेयर की बात है, वो केवल एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी रह जाएगी। एक्चुअल में प्राइवेट है तो अपना फ़ायदा देखेगा, तो सोशलिस्टिक होता तो वो सोशल वेलफेयर की बात करता ना, जैसे पब्लिक सेक्टर थे वो सोशल की बात कर रहे थे, मतलब हर इंसान के बारे में सोच रहे थे। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो केवल और केवल अर्निंग के सोर्सेज के लिए बात करेंगे। इट लॉस इट्स अ प्रैक्टिकल रिलेवेंस ऑफ PSUs आर सोल्ड ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइजेस। अब क्या हुआ, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को क्या किया, PSUs को सोल्ड कर दिया, जिसकी वजह से सोशलिस्टिक पैटर्न जो था, जो सोशलिस्टिक पैटर्न था वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन एनकरेज अ फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज। अभी हमने पीछे पढ़ा, जो प्राइवेटाइजेशन है वो एनकरेज करता है फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज। जो डिमांड होगा वही सप्लाई होगा, जो जिसकी इनकम ज़्यादा होगी, मतलब जो मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगा प्रोडक्ट का, उसको वही वो सप्लाई करेंगे। बट इन द प्रोसेस ग्रोथ एंड प्रोड्यूस गुड्स आर प्रोड्यूस ओनली फॉर दोज हु हैव मीन टू बाय देम। और प्राइवेटाइजेशन में केवल उन्हीं लोगों के लिए गुड्स को बनाया जाता है जिस गुड्स की क्या होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, लोग उसको ज़्यादा खरीदते हैं। क्यों, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइजेस ज़्यादा होंगे, अब प्राइजेस ज़्यादा हैं लेकिन जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो सफ़र करेगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने क्या करा, कुछ चीज़ों को तो पब्लिक कर दिया जो पब्लिक थी, और प्राइवेटाइजेशन, जैसे आपने देखा होगा अगर सारे ही स्कूल प्राइवेट सेक्टर में चले जाएँ, तो प्राइवेट सेक्टर्स में आप सबको पता है स्कूल की फीसेस कितनी होती है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, पब्लिक स्कूल्स भी रखे हैं। ठीक है, चाहे वो क्लास फर्स्ट से क्लास 12 तक हैं, गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज़ भी रखी हैं जो पब्लिक सेक्टर्स में हैं, मतलब जो सरकार चला रही है। तो ऐसा नहीं है पब्लिक पूरी तरह से गायब हो गया है, पब्लिक अभी भी है, मतलब पब्लिक सेक्टर्स अभी भी है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन को गवर्नमेंट ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। जैसे एयर इंडिया का बहुत अच्छा एग्जांपल है, एयर इंडिया के अगर आपने विमान में कभी सफ़र किया होगा ना, तो एयर इंडिया ऐसा था बस मत पूछो, लेकिन अब धीरे धीरे टाटा ने उसका 100% शेयर ले लिया, अब टाटा अपने हिसाब से उसे अच्छे से बना रहा है, अच्छे से रन कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये थे इंपैरेटिव लॉसेस और ये थे इंपैरेटिव गेंस, ऑब्वियस गेन और इम्पेरेटिव लॉसेस हर किसी के होते हैं। तो ये टोटल टॉपिक था हमारा
प्राइवेटाइजेशन के बारे में। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, इसके नोट्स में आपको पूरे टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। और आप मुझे यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं अगर आपके कोई डाउट्स हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट करके, और मिलते हैं इस वीडियो के थर्ड पार्ट में जिसको हम एपिसोड नंबर 3 के नाम से जानते हैं, जिसमें हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।